हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। अभी जैसा पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं महेश्वर पहुंच गया था, एक दो घंटे का अभी रेस्ट लिया, उसके बाद अब मैं निकल रहा हूँ। शाम का क्या कैसा सीन रहता है महेश्वर में, तो चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ से चल के बाहर। अभी 7:30 हो रहे हैं, तो अभी यहाँ से चलूँगा घाट साइड, और घाट के आसपास क्या कैसे चीज़ें रहती हैं, और मेन क्या है कि रात में कैसा माहौल रहता है, वो सब चीज़ें दिखाता हूँ। तो अभी बस यहाँ से निकलूँगा होटल से बाहर, आगे की चीज़ें वहाँ चल के दिखाता हूँ। ऐसा कुछ करके होटल दिखता है, जैसा ये बाहर का ऐसा कुछ एरिया है। और अभी यहाँ से बस लगभग मैं बता दूँ, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है नर्मदा घाट का। तो अभी बस वहाँ पहुँच जाता हूँ, रात में क्या रहता है, बंद रहता नहीं रहता, तो वो सब चीज़ें पहुँच के वहाँ दिखाऊँगा। अभी बस ये चौराहे पर आ गया हूँ, ऐसा कुछ करके पीछे का दिख रहा है। मतलब अभी यहाँ पर मार्केट पूरा खुला हुआ है, 7:30 बजे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे फेमस जो है ना वो हैंडलूम मार्केट है यहाँ का। इसमें साड़ियाँ वड़ियाँ, महेश्वरी साड़ी सब मिलती है, तो आपको हर मार्केट में मतलब हर दुकानों में यहाँ पे ऐसी साड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो अभी ऐसा सीन होकर रखा हुआ है, ऐसे पैदल सड़कों में चल रहा हूँ। मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब बस ऐसा चलना, कहीं भी अकेले ऐसा घूमते रहना, और ख़ासकर रात का। जैसे अमृतसर भी मैं पूरी सीरीज बनाया था, तो उसमें भी मैं ऐसे ही एक्सप्लोर किया था, जो चीज़ें रात को जाने वाली थी वो रात को, और जो चीज़ें ऐसे थी उसको नॉर्मल, जो जैसा जिस टाइम पे अच्छा लगता है वही डेस्टिनेशन मैंने कवर किया था। तो अभी बस नाइट का पूरा दिखा देता हूँ कैसा दिखता है महेश्वर। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जैसा कि ये पीछे करके बोर्ड दिख रहा होगा आपको, पवित्र अहिल्या की पवित्र नगरी में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है, ऐसा कुछ करके बोर्ड है। अब यहाँ से चल रहा हूँ आगे, सामने पूरा घाट जाने से पहले चढ़ाई दिख रही है मुझे, मतलब वो थोड़ा स्टीप है, तो वो भी चीज़ें कवर करते हुए आगे दिखाता हूँ। थोड़ा लाइटिंग कमी है, मतलब लाइट थोड़ा कम है आसपास, मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, पूरा डार्क डार्क आ रहा होगा, फिर भी दिखाता हूँ पीछे। पीछे थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे आई लव महेश्वर करके एक पूरा बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के पास ही पहुँचने वाला हूँ, तो दिखाता हूँ। ये ऐसा करके एक बोर्ड भी लगा हुआ है, आई लव महेश्वर करके पूरा वो लगा हुआ है यहाँ पे। और ये पूरी स्टीप, मतलब सीधे चढ़ाई है खड़ी आगे जाने के लिए। और यहाँ पे पीछे जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, जैसा ये मैं एक बार कवर कर देता हूँ, आई लव महेश्वर करके ये पूरा फ्रेम आ रहा है पीछे। और यहाँ क्या है कि अगल बगल बैठने के लिए बना हुआ है, तो ये चीज़ें अच्छी लगी मुझे, यहाँ पर कई सारे लोग बैठे भी हुए हैं। तो अब चलता हूँ आगे, क्योंकि इसके आगे पूरा घाट ही है नर्मदा का। और यहाँ पे ये जो पैलेस है, ये मतलब अहिल्या बाई करके जो पैलेस है, ये इसका पूरी दीवारें ही हैं, और उसी के साइड साइड से होते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि लगभग जो राजवाड़ा पैलेस जो होते हैं वो अभी तक जितना मैंने घूमा है और जितना मेरे नॉलेज के हिसाब से, वो सब किनारे ही, मतलब नदियों के किनारे या कि और ऐसी जगह खाई हुई के किनारे ही होते हैं। तो बस अभी यहाँ से चलते हुए जा रहा हूँ, एक बड़ा सा गेट दिख रहा है सामने, ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं, मतलब ये पूरा दीवार बना हुआ है, और सामने एक बड़ा सा गेट है, यहाँ से एंट्री होती है अंदर के लिए। तो यहाँ से एंट्री करके आगे जो भी चीज़ें होती हैं, किधर से रास्ता रहता है घाट के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ। सीधे चले जाओगे आप तो राजवाड़ा, इधर जाओगे काशी विश्वनाथ और राजेश्वर, ऐसा कुछ करके दिख रहा है। जैसा ये भी दिख रहा है यहाँ पर, हैंडलूम का अंदर का पूरा वर्क मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर, जो भी चीज़ें बनती हैं आप आके देख सकते हो, मतलब ये बाहर से ही मुझे अंदर का, जिसमें काम होता है हाथों से, जो काम किया जाता है वो सब चीज़ें हैं। अभी यहाँ से चल रहा हूँ सीधे, पीछे पता चला कंफर्म ये हुआ है कि आगे जाके थोड़ा राइट जाना है, तो आप घाट साइड पहुँच जाओगे, तो बस उधर ही जा रहा हूँ मैं। यहाँ से उधर से पूरा चढ़ के आया हूँ, लेकिन इधर पूरा घाट साइड पूरा ढलान है, और यहाँ पर मंदिर भी है, ये शायद काशी विश्वनाथ मंदिर है। अभी क्या है कि अभी टाइम भी हो रहा है, अभी जाने का कुछ नहीं रहेगा मेरा, और मैं ये पूरा सुबह से रखूँगा, सुबह से यहाँ पूरा एक्सप्लोर करना है, जो भी मंदिर हैं और जो भी चीज़ें यहाँ एक्सप्लोर करने वाली हैं वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे आऊँगा, सुबह दिखाऊँगा। अभी पूरा मुझे नाइट का व्यू दिखाना था कि रात में कैसा दिखता है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पर कुछ लोग आगे जा भी रहे हैं और मैं भी ऐसे ही उतर रहा हूँ धीरे धीरे। ये पूरा सामने मंदिर का गुंबद दिख रहा होगा, अभी क्या है लाइटिंग की भी कमी है, और अंदर का स्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर वाले मंदिर हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। ये भी घाट आने से पहले यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, उधर पे मैं गया था उस साइड, लेकिन उधर क्या हुआ कि उधर बंद हो चुका है अभी, वो सुबह ही खुलेगा,
तो मैं सोचा कि घाट साइड तो आ ही जाऊँ, तो अभी घाट साइड ही जा रहा हूँ। यहाँ पूरा क्रॉस करके जाना होगा, उधर से भी तो बताया था कि आप इधर से जा सकते हो, तो अभी चल के दिखाता हूँ आगे। ये ऐसा काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल से आप आगे आ सकते हो। ये ऐसे कुछ करके सीढ़ियाँ दिख रही हैं जो नीचे जाने के लिए घाट के लिए है, और यहाँ सुबह बोटिंग चालू हो जाती है। तो अभी मैं सबसे पहले आ जाता हूँ इधर पे। यहाँ पे कई सारे लोग बैठे भी हुए हैं और पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जस्ट किनारे जो है ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो इसे चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगा ही। ऐसा कुछ करके दिख रहा है अभी यहाँ से। थोड़ा नीचे चलता हूँ और ये पूरा मंदिर यहाँ से दिख रहा है। अभी चलता हूँ नीचे। नीचे से पहले अभी दिखा देता हूँ, फिर जो कल का होगा वो सब इसमें एक्सप्लोर करूँगा। ऐसी पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ कई सारे लोग हैं। अभी यहाँ बहुत सारे लोग नहा भी रहे हैं, लेकिन मैं मतलब उस ऐसा है कि यहाँ पे चेंजिंग के लिए भी लेडीज़ों के लिए बना हुआ है, मतलब अलग से यहाँ पे प्रॉपर। मैं इस साइड दिखा रहा हूँ, पूरा मंदिर भी है यहाँ पे। लेकिन क्या है कि अभी पानी का लेवल अभी नीचे ही है, लेकिन पानी का बहाव अच्छा तेज़ है, तो ये बहुत शानदार है। यहाँ पे सुबह बोटिंग वोटिंग चालू हो जाएगी, तो फिर मैं वो चीज़ें करके इसमें दिखाऊंगा यहाँ जाके। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा दिख रहे हैं जो इस टाइम पे भी आते हैं, तो यहाँ स्नान करने का रहता है। क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था इसलिए फिर भी मैं पहुँच आया हूँ। यहाँ पे पीछे साइड भी पूरा मंदिर है, बहुत ही शानदार वाइब है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग पूरा जैसा अपने श्रद्धा के अनुसार अपना अपना वो करते हुए, और पूरी भीड़ इधर लगी हुई है, मतलब ये जो मेन मंदिर है उस साइड से जहाँ से एंट्री बंद थी, मेन घाट अभी ऐसा इस टाइम पे दिख रहा है। अभी बस घाट साइड से पूरा उधर से आ गया था, मतलब उधर आज पूजा उजा का सब कुछ चल रहा है। अभी यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ निकाल रहा था, ये जैसा पीछे दिख रहा होगा आई लव महेश्वर करके जो लिखा है यहाँ पे, वहीं पे। तो अभी यहाँ पे बैठा हूँ, अभी यहाँ से जाऊँगा कुछ खाने पीने। कुछ खाया पिया नहीं हूँ, अभी मैं वहाँ से आया था इंदौर से, तो कुछ खाया पिया नहीं हूँ। तो अभी यहाँ कोई देखूँगा कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट यदि मिल जाता है तो खाऊँगा खाना। तो अभी बस वहीं चलता हूँ, फिर आगे मिलता हूँ। अभी बस उस साइड से यहाँ पे आ गया हूँ मैं, श्री वाक्य बिहारी मंदिर करके है, और यहाँ पे मतलब खाने का भी है आगे, और गेस्ट हाउस भी है। मंदिर तो अभी क्लोज़ हो गया है, लेकिन आगे गेस्ट हाउस और खाने की चीज़ें हैं। मतलब मंदिर तो अभी क्लोज़ हो गया है, लेकिन आगे खाने वाने की चीज़ें हैं। तो अभी बस दिखाता हूँ अभी चल के आगे, क्योंकि खाना अच्छा चाहिए था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा देख रहा था आसपास क्या चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि यहाँ पे पीछे ये इधर ही है, तो यही है अंदर है। बस यहाँ से चलता हूँ ऊपर, मतलब यहीं पे है। बाहर से तो बहुत ही शानदार लग रहा है, अंदर क्या है क्या नहीं है चीज़ें दिखाता हूँ अंदर चल के। तो चप्पल उतार के जा सकते हैं। ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे पूरा अलग सिस्टम रहता है खाने का, और एकदम सामने ही ऐसा खिलाया जाता है बैठा के। तो ये यहाँ सामने की चीज़ें दिखा देता हूँ, दाल बाफले थाली स्पेशली फॉर मालवा रीजन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे आप अपने शूज़ उतार सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लोग उतार भी रहे हैं, और यहाँ पे अंदर एंट्री करते हैं। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे जूते उतर उतार देता हूँ, फिर अंदर चल के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से हॉस्पिटैलिटी दी जाती है, मतलब सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा, अंदर चल के दिखाता हूँ। जैसे जैसे ही अंदर आओगे तो यहाँ पे पूरा ऐसा दिख जाता है। चलो आगे बैठो ना, हाँ नीचे बैठना है। ये ऐसा कुछ करके दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोग इधर इस साइड बैठ के खा रहे हैं, और इधर कुछ बैठने के लिए अलग से बना हुआ है, और ये इधर पे कई सारे लोग इधर पे खा रहे हैं बैठ के, जैसा कि दिख रहा होगा। मैं भी बैठ गया हूँ, ऐसा कुछ सामने लगा हुआ है यहाँ बैठने के बाद। अब यहीं पर थाली आएगी, जो भी चीज़ें होती हैं खाने में वो सब चीज़ें दिखाता हूँ आगे। ऐसा
चुकी है, मतलब यहाँ दो तीन चार आइटम हैं और मतलब दाल, दो सब्जी, कढ़ी, चावल और रोटी, इसमें जो भी आपको खाना हो मतलब आप तो मंगा सकते हो बार बार, आपको यहाँ पे मतलब ले के आने का है। जैसे कि अभी वैसे भी यहाँ पे सलाद भी डाल दिए हैं तो ऐसा कुछ करके दिख रहा है, तो अभी बस खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ, क्या कैसी चीज़ें रहती हैं बताता हूँ कैसा खाना रहता है। अभी बस खाना मैं खा लिया हूँ, यहाँ पे भोजनालय में जो थाली मैंने अभी दिखाई थी खाने से पहले, बहुत ही शानदार खाना था और बहुत ही अच्छा खाना था। तो अभी बस मैं यहाँ से चल रहा हूँ होटल साइड, क्योंकि अभी टाइम भी लगभग 10 बज रहे हैं, जिससे कल मैं जल्दी उठ सकूँ और यहाँ पूरा एक्सप्लोर कर सकूँ महेश्वर को। तो अभी बस यहाँ से जा रहा हूँ होटल, अब होटल पहुँच के फिर मिलता हूँ। खाना का मैं बता देता हूँ, खाना बहुत ही शानदार था। वहाँ से निकल के बस मैं आ गया हूँ, लगभग 200-400 मीटर पे था मेरा होटल, होटल पहुँच गया हूँ मैं अभी। तो खाना में मतलब सिंपल थाली थी तो बहुत ही शानदार थी। ये बांके बिहारी करके उनका पूरा वो है, मैं यहाँ पे उनका वो भी डाल दूँगा नाम जो भी है होटल का, होटल का साथ में उनका खाने का भी है भोजनालय टाइप का, तो वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। अभी वहाँ का एक फेमस और है, मतलब वहाँ की जो थाली है दाल बाफले वाली स्पेशल थाली, उसको एमपी टूरिज्म ने भी प्रमोट किया है। तो कल आज थाली थी नहीं, कल वो थाली है, तो कल फिर जाके वहाँ फिर से दिखाऊंगा, क्योंकि मंदिर में दर्शन भी करना है। तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए कुछ लोगों के साथ, क्योंकि अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंस्टाग्राम का पेज भी आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, चेकआउट करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और अभी बस मैं जाऊंगा सोने, लगभग अभी बज रहे हैं 10, जिससे कल सुबह का मेरा कोई भी प्लान ख़राब नहीं हो, कल सुबह पूरा महेश्वर एक्सप्लोर करना है मुझे। तो बस अभी चलता हूँ, तो अभी इस ब्लॉग की करता हूँ एंडिंग। ऐसे ही और ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट वी गो ट्रैवल, ऐसे ही और ब्लॉग इस चैनल में आते रहेंगे, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।